हेलो स्टूडेंट्स, कल अपन ने स्टार्ट की थी करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका लेक्चर वन। और वहाँ पे कुछ बेसिक बेसिक चीजें सीखी थी अपन ने कि किसी कंडक्टर के अक्रॉस आप कंडक्टर की डेफिनेशन देते हो, उसमें क्या होता है, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रेंडम मूव करते हैं इनसाइड कंडक्टर, पर उन रेंडम मूवमेंट की वजह से उस कंडक्टर में कोई करंट नहीं आ रहा था। और क्यों नहीं आ रहा था, इसकी थ्योरी अपन ने समझी थी कि अगर आपके पास कोई भी चार्ज होता है, ठीक है, बेसिकली जो आपको समझाया भी था कल की जो करंट है वो किसके कारण जनरेट होता है, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से आपका करंट जनरेट होता है। और जो डायरेक्शन ऑफ करंट था वो क्या था, ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो आपका करंट इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है क्या। पर अपन ने इसको आसान समझने के लिए क्या माना था कि इसको नेगेटिव चार्ज जगह अपन पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो फिक्स है पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करेगा, और आपका करंट भी किधर ही था, इसी डायरेक्शन में। तो अपन ये मान लेते थे कि अपन जो डायरेक्शन मानेंगे करंट की वो पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग ही मानेंगे, ताकि अपने को लिखने में थोड़ी आसानी रहती है, बार बार अपने को इलेक्ट्रॉन की वजह से कंफ्यूजन नहीं होना पड़ेगा, ठीक है क्या। और इसी फंडे को लेकर अपन आगे बढ़े थे। पर रियलिटी में ध्यान रखें, जो करंट होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही जनरेट होता है, और जो करंट की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आती है, है ना। पर अपन क्या मान के चलते हैं कि ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, अपन ने इसके इलेक्ट्रॉन जगह पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आपका इधर मूव करेगा और वही करंट की डायरेक्शन होगी, यानी कि पॉजिटिव चार्ज को कंसिडर करके ही अपन जो थ्योरी है या जो आगे कंसेप्ट उसी को सोल्व करेंगे, है ना। कुछ और चीजें देखी थी अपन ने कि अगर अपने पास कोई कंडक्टर होता है, ठीक है क्या, कोई कंडक्टर है, और कंडक्टर की बेसिक डेफिनेशन देखें कि इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, और आपके करंट की डेफिनेशन क्या थी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि अगर चार्ज फ्लो करेगा तो करंट जनरेट होता है। लेकिन कल अपन ने देखा था अगर आपके पास आइसोलेटेड कंडक्टर है, यानी कि किसी चीज से कनेक्ट नहीं है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट तो होता है इनसाइड कंडक्टर, पर क्या है उसकी वजह से कोई करंट नहीं आता। क्यों नहीं आता, इसकी थ्योरी अपन ने कल देखी थी कि रेंडम मूवमेंट होता है और फाइनल वापस आके यहीं पर पहुंच जाता है। पर जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो इस कंडक्टर के अक्रॉस, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अपने ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इधर ड्रिफ्टिंग होगी, अगर आप पॉजिटिव चार्ज लेके चलोगे तो इधर ड्रिफ्टिंग होगी। ड्रिफ्टिंग का मतलब जो पोजिशन थी चार्ज की वो थोड़ी सी चेंज आ गई, यानी कि वहां पर एक डिस्प्लेसमेंट मिल गया अपने को, ठीक है क्या। और डिस्प्लेसमेंट मिल गया और आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ गया, यानी कि उसने कोई ना कोई डिस्टेंस ट्रेवल की, तो वेलोसिटी पे आती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि आपको करंट की वेलोसिटी या सिंपल बोले कि चार्ज की वेलोसिटी मिलती है, और इसी वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू लेते हैं, हर चार्ज के लिए आएगी उसी का एवरेज लेते हैं, तो आपकी जो वेलोसिटी है वो कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो अपने को यहां पर जो चार्ज मूव कर रहा है वो किस स्पीड से मूव करता हुआ मानते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्पीड से मूव करता हुआ मानते हैं, और अपने मानते हैं कि कॉन्स्टेंट रहती है, आपके चार्ज के फ्लो में जो वेलोसिटी जनरेट हुई ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो सेम रहती है, कोई चीज ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज नहीं होती। और ये भी देखा था अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फिक्स है फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो उसके कारण जो एक्सेलेरेशन आएगा वो भी जनरेट होगा, पर इस एक्सेलेरेशन की वजह से तो फिक्स है, अपन सभी जानते हैं वेलोसिटी इंक्रीज होनी चाहिए थी। पर क्या कहा था अपन ने, जैसे ही चार्ज आगे मूव करता है दूसरे चार्ज से टकरा जाता है, और टकराते उसकी वेलोसिटी फिर जीरो हो जाती है, फिर अगला चार्ज मूव करने लग जाता है, इस तरह से प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है, और उस चार्ज की एवरेज वेलोसिटी निकाले वो आती है आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये भी बताया था कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे लगाते हैं किसी कंडक्टर के अक्रॉस, और इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं आज। कि जैसे मान लीजिए आपके पास कि अपन ने देखा था कि कोई कंडक्टर है आपके पास, है ना, ये मान लीजिए कोई कंडक्टर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है आपके पास, और एक और चीज डिफाइन की थी एन नंबर ऑफ फ्री चार्ज करियर्स, फ्री चार्ज करियर्स यानी कि कितने फ्री चार्ज करियर्स है वो एक अपन ने एन से डिनोट कर दिया, ठीक है क्या। और फील्ड लगाने के लिए मैंने कहा था कि आपको एक्सटर्नल सोर्स लगाना पड़ता है जिसको अपन बैटरी बोलते हैं, है ना, आप सभी ने सुना होगा बैटरी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ी सी कि बैटरी क्या होती है, कैसे काम करती है, और आगे आपके डिटेल में बैटरी है सही, है ना। तो जैसे बैटरी लगाते हैं, बैटरी का आपके पास लिखा होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस देती है अपने को, ये कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस देती है, ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, मान लो कंडक्टर की लेंथ कितनी है एल है, तो इसके अक्रॉस जो आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आया, मान लीजिए आपने लिख दिया इसको वी वोल्ट, है ना, वी वोल्ट, तो इस एक्सटर्नल सोर्स की वजह से इस कंडक्टर अक्रॉस फील्ड आता है, क्योंकि अपन जानते हैं वी इज इक्वल टू होता है आपके पास पोटेंशियल इज इक्वल टू ई बाई एल, तो ई की वैल्यू हो जाएगी सॉरी ई वी इज इक्वल टू ई डॉट एल, तो आपके पास ई हो जाएगा वी बाई एल,
यानी कि ये फील्ड आ गया आपके पास यहां से यहां तक, ठीक है। और आपके पास ये जो बैटरी दे रखी है हायर पोटेंशियल होता है आपके पास, है ना, और इस वाले पॉइंट को बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। तो फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। तो इस तरह से एक फील्ड जनरेट हो जाती है आपके पास। तो जो करंट की वैल्यू आई थी इसके लिए वो था आपके पास I बराबर N E A V D। I क्या था करंट, N क्या था नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है क्या। ये चीज थी आपके पास, E चार्ज है इसे अपने पास, A इसका एरिया क्रॉस सेक्शन और VD क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। तो ध्यान रखें ये करंट का फॉर्मूला है कि जब किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस आप क्या लगाते हो, एक्सटर्नल फील्ड लगाते हो, और एक्सटर्नल फील्ड लगाने का तरीका क्या है आपके पास, बैटरी, और बैटरी क्या देती है आपको एक पोटेंशियल डिफरेंस देती है, ठीक। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसमें, और ध्यान रखें जो अजम्पशंस अपन ने माने थे कि क्या अजम्पशंस होते हैं कि जैसे आप फील्ड लगाते हो सारे चार्ज क्या होते हैं एक रैंडम क्यू में अरेंज हो जाते हैं, और इस फील्ड की वजह से वो बीडी स्पीड से मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है क्या। और वहां से अपने पास करंट की वैल्यू होगी थी आई बराबर एन ई ए वी डी, जहां पर एन क्या है आपके पास लिखा हुआ है, वी क्या होता है, डी क्या होता है, सारी चीजें अपन ने डिस्कस की थी, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ाते इसको आगे की ओर, कुछ दो टर्मिनोलॉजीज और है आपके पास। एक तो होता है लेमडा, जिसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ, ठीक है, और एक होता है टाउ रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। ये दो चीजें क्या होती है, टी लिख दो या टाउ लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, रिलैक्सेशन टाइम, है ना। अभी जस्ट बताया था आपके पास कि कोई चार्ज है इस पर फील्ड लगाया ई, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा क्यू इंटू ई का, और जो एक्सेलेरेशन आएगा इसके पास आएगा क्यू ई बाई एम, यानी कि क्यू कितना आपके पास ई, तो ई ई बाई एम, ये एक्सेलेरेशन आ गया इसके पास, ठीक है क्या। अब जैसे ही ये चार्ज आगे की ओर जा रहा है इस फोर्स की वजह से, आगे भी एक चार्ज रखा हुआ है, ये चार्ज जैसे आगे बढ़ा इस वाले दूसरे चार्ज से कोलाइड कर जाता है, तो कोलाइड करने से पहले कुछ ना कुछ तो सेपरेशन होगा दोनों के बीच में, है ना। तो इस चीज को कहा जाता है लेमडा, यानी कि मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, टाइम ऑफ कोलिजन बिटवीन टू चार्जेस, यानी कि दो चार्ज के बीच का कोलिजन टाइम कितना है, और मीन फ्री पाथ का डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस बिफोर कोलिजन जो अपन बढ़ते हैं, है ना। तो अब आपके पास यहां पर क्या हो गया कि आपने को लेमडा भी डिफाइन कर दिया और रिलैक्सेशन टाइम, तो इनका रिलेशन क्या है, किस काम आता है। तो आप जानते हो कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, काइनेमेटिक्स की इक्वेशन से एस होती है डिस्टेंस, डिस्टेंस की जगह अपन ने लेमडा ले रखा है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, प्लस हाफ ए, एक्सेलेरेशन कितना इसका ई ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर, ठीक है क्या। तो एक इक्वेशन मान लीजिए आपके पास ये आ गई, और दूसरी कि आपके जो चार्ज है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं, तो आप जानते हो जो वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन क्या नाम है आपके पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्टेंस को बोल सकते हो आप वेलोसिटी इंटू टाइम, यानी कि क्या लेमडा को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू टाइम टी, जो रिलैक्सेशन टाइम है। आप इसकी वैल्यू उठा के यहां पर रखिए, मान लीजिए इक्वेशन टू है, तो एक और दो से क्या लिखोगे आप, वी डी इंटू टी इज इक्वल टू हाफ ई ई बाय एम टी स्क्वायर, तो एक टी से टी कैंसिल आउट हो गया आपके पास, तो क्या वैल्यू आ गया आपके पास यहां से, टाइम की वैल्यू निकालना चाहिए, किसी की वैल्यू निकाल लो, तो वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर हो गया ई ई टी अपॉन टू एम, मान लीजिए इक्वेशन तीन होगी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई अपने पास। अब जो ई है, आप देखिए ई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, वी बाई एल, ठीक है, क्या हो जाएगी, वी बाई एल, क्यों, क्योंकि जो कंडक्टर था उसकी लेंथ अपन ने क्या मानी थी, एल मानी थी, ठीक है क्या, कंडक्टर की लेंथ एल, बैटरी सोर्स लगाया था अपन ने, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता अपने पास ई, उसकी वैल्यू होती है आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर जो वैल्यूज है किसकी, यहां पर वालों अपन वैल्यूज पुट करते हैं जो आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वी डी इज इक्वल टू ई इंटू वी इंटू टी बाय 2 ml, ठीक है क्या। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, रीअरेंज करते हैं, तो आपके पास v बराबर आ गया, ठीक है क्या, 2 ml vd अपॉन e, ठीक है, इंटू टी, ये चीज आ गई आपके पास। भाई आपने v की वैल्यू निकालो, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 ml vd अपॉन और e इंटू टी, ये आपके पास क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ठीक है, वी के आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस। अब और आगे देखते हैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा, तो देखिए आपको दिख रहा होगा कि करंट की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है आपके पास, करंट क्यू बाई टी, यानी कि या ई बाई टी,
है ना, या फिर इस रिलेशन को यूज कर लिए, आई बराबर क्या था आपके लास्ट में एन ई ए बी डी, इस इक्वेशन को भी यूज कर सकते हो आई बराबर एन ई ए वी डी। अब आपके पास वी डी की वैल्यू ये रही, उठा के आप इसको यहां पे रख दो, या फिर आई की वैल्यू या यहां से किसी भी वी डी की वैल्यू उठा के आप इसमें रख दो, तब भी आपके पास इक्वेशन आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए अपन इसको करते थे, आई बराबर एन ई ए वी डी की वैल्यू है आपके पास ई वी टी अपॉन 2ml, ठीक है क्या। तो थोड़ा सा रीअरेंज करते इसको, तो v बराबर हो जाएगा 2ml अपॉन एन ई ए टी, और कुछ बच रहा है क्या 2ml, यानी कि आपके पास जो यहां पर देखें v, तो 2ml i, ठीक है क्या, और नीचे जाएगा n e और e स्क्वायर हो जाएगा इंटू ए इंटू टी। तो इसको लिखे अपन v इज इक्वल टू 2ml n e स्क्वायर टी ए आई, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जो ये फैक्टर है आपके पास, ये जो फैक्टर दिख रहा है ये कांस्टेंट होता है, और इस फैक्टर को कहा जाता है R, यानी कि R होता है रेजिस्टेंस, जो आपने पढ़ा होगा पहले, इसका नाम सुनोगा रेजिस्टेंस। और ओम्स लॉ की बात करते हैं, आपको याद होगा V बराबर क्या होता है आई आर, ठीक है। तो ये आपके पास ओम्स लॉ था, अगर आपने अर्ली क्लासेस में पढ़ते हैं इस ओम्स लॉ को, तो देखिए एक तरह से ये जो आपके पास ओम्स लॉ का प्रूफ है, एक तरह जो पहले आपके पास केवल डेफिनेशन थी, वो आज आपके पास प्रूफ हो रहा है कि V बराबर आई आर, इस तरह से इस रिलेशन को प्रूफ कर सकते हैं अपन, है ना। तो V बराबर आई आर, तो यहां पे R की वैल्यू आपको दिख रही होगी, वो कितनी आ रही है 2ml अपॉन एन ई स्क्वायर टी, ठीक है। तो V इज इक्वल टू आई आर, तो R दिख रहा है आपको 2ml अपॉन एन ई स्क्वायर टी, ठीक है, इंटू ए, ठीक। तो ये हो गया आपके पास R, इस R को कहा जाता है रेजिस्टेंस, ठीक है, और सभी जानते हैं रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम, क्या होती है ओम, है ना, और रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या होगा आपके पास 1 बाई आर, और इसकी यूनिट की बात करें तो ओम को उल्टा लिख दीजिए इस तरीके से, या फिर महो, ठीक है। अब R को और ढंग से देखें, R में देखिए आपको क्या दिख रहा है, M दिख रहा है, L दिख रहा है, N दिख रहा है, E दिख रहा है, T और A, यानी कि यहाँ पे आपको डायमेंशंस के जो भी आपका कंडक्टर है, किस शेप और साइज का है, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस आ रहे हैं, है ना। तो जो आपका रेजिस्टेंस है इसकी डिपेंडेंसी होती है, ठीक है ना, किसकी चीज पे डिपेंड होता है, देखें ध्यान से, या ऐसे बोलते कि जो रेजिस्टेंस है आपका वो किस किस की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। अब देखिए रेजिस्टेंस में क्या है आपके पास L और A आ रहा है, तो यानी कि ये डिपेंड करेगा डायमेंशंस पे भी, कि आपके पास जो कंडक्टर है उसके डायमेंशंस कैसे है, या फिर बोलते उसकी ज्योमेट्री कैसे है। दूसरी चीज होती है आपके पास जो रिलैक्सेशन टाइम T दिख रहा है अपने को, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स दिख रहे हैं, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, मेटल की प्रॉपर्टी होती है, कि ज्यादा कोई अलग मेटल होगा तो उसके लिए पर यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होंगे, है ना। तो दूसरी जो प्रॉपर्टी है कि मेटल पे भी डिपेंड करता है आपका, कि कौन सा मेटल आप यूज कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपका रेजिस्टेंस भी वेरी करेगा, ठीक है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपका रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, इसको आगे न्यूमेरिकल से समझेंगे, यहां आपको नहीं दिख रहा होगा। तो आपका जो रेजिस्टेंस, एक तरह से ध्यान से देखें किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। पहला फैक्टर आ रहा है आपके पास डायमेंशंस, या बोल सकते हो आप उसकी जो कंडक्टर है उसकी ज्योमेट्री क्या है, है ना, यानी कि शेप और साइज की बात करेंगे अपन। दूसरा मेटल, मेटल क्यों, कि आपके पास जो R है वो N, N क्या होता है नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो डिपेंड करता है अलग मेटल होगा तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स अलग होंगे, ठीक है ना, ये सारी चीजें। तो ध्यान रखें जो रेजिस्टेंस है आपके पास, अभी तक जो आप पढ़ते आए थे यहां पर तीन चीजें और निकल के आती है अपने पास, कि जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है आपके कंडक्टर के ज्योमेट्री पर भी, आपकी मेटल कौन सा है, और तीसरा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पे भी, ठीक है क्या। और आपने एक और फॉर्मूला देखा होगा कि जो रेजिस्टेंस है जो आपने यूज किया होगा, कि R बराबर आप लिखते थे, R बराबर लिखते थे आप अर्ली क्लास में रो L बाई A, ये भी लिखते थे। अब देखिए जो आपके पास R था 2ml n e स्क्वायर टी ए, तो L और A ये दिख रहा, यानी कि अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो रो की वैल्यू आ गई आपके पास 2m अपॉन n e स्क्वायर टी। अब देखें ध्यान से, ये जो सारी चीजें हैं, ये m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ध्यान रखें मास ऑफ
इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ही कारण क्या आता है, करंट आता है। ठीक, तो यहां से देखें, अगर इस वाले फैक्टर्स को देखें यहां पर, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स, ई चार्ज की वैल्यू, और टी रिलैक्सेशन टाइम। तो ये सारी चीजें क्या होती है आपके पास, हर मेटल के लिए अलग अलग होगी। ठीक है ना, हर मेटल के लिए क्या होगी अलग अलग, या किसी पर्टिकुलर मेटल के लिए बात करें तो ये चीजें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। दूसरा मेटल आएगा तो ये अलग हो जाएगा, पर L अपॉन A ये डायमेंशंस होते हैं। मान लीजिए आपके पास दो आयरन की रोड्स हैं, मान लीजिए एक रोड आपके पास इस तरीके से है ना, और एक रोड मैंने इस तरह से बना दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहां पर L, इसको L1 बोल दो, इसको L2, इसको A1 और इसको A2। अब मान के चलिए ये भी कॉपर का है और ये भी कॉपर का ही है, तो अब दोनों को ध्यान से देखें, इन दोनों की ज्योमेट्री अलग दिख रही है, फिक्स है, यानी कि दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है। लेकिन इस वाले फैक्टर को देखें, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज की वैल्यू और रिलैक्सेशन टाइम। अगर मान लो ये भी कॉपर का है और ये भी कॉपर है, तो इसके लिए रिलैक्सेशन टाइम भी सेम रहेगा, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम ये भी दोनों के लिए सेम रहेंगे, और चार्ज की वैल्यू तो खैर सेम रहती है, यानी कि इन दोनों के लिए ये जो फैक्टर आ रहा है रो, ये कॉन्स्टेंट है ना। तो अपन कह सकते हैं ये जो रो होता है, आप इसको क्या लिखते थे, रेजिस्टिविटी, क्या लिखते थे, रेजिस्टिविटी, है ना। तो जो रेजिस्टिविटी है, आप बोले सिंपल, ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है, किसकी प्रॉपर्टी होती है, मेटल प्रॉपर्टी, कि आप कौन सा मेटल ले रहे हो, या सिंपल बोले कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। इसका शेप और साइज यानी कि डायमेंशन से कोई लेना देना नहीं होता। तो आप कह सकते हो आपका रेजिस्टेंस मेटल की प्रॉपर्टी तो है सही, साथ के साथ में डायमेंशन की भी प्रॉपर्टी होती है, पर जो रेजिस्टिविटी आ रही है आपके पास, ये प्योर मेटल की प्रॉपर्टी, इसके शेप और साइज से आपको कोई मतलब नहीं है, चाहे मैं ऐसा कंडक्टर लूं या ऐसा लूं, पर दोनों सेम मेटल के, कॉपर का है और ये कॉपर। तो इस वाले में जितने भी फैक्टर दिख रहे हैं आपको, सारी चीजें कॉन्स्टेंट है, है ना। यानी कि इसके लिए भी जो कंडक्टिविटी, मान लीजिए रो वन है और इसके लिए रो टू, तो आपके पास क्या होगा, रो वन बराबर रो टू। तो ध्यान रखना कि जो रेजिस्टिविटी है यानी कि रो है, ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है। दूसरा कि टाइम पे, सॉरी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर के साथ वेरी करता है और ये भी वेरी करता है, ऐसी बात नहीं है, अपन टेम्परेचर को अभी कंसीडर नहीं कर रहे। आपका रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर के साथ वेरी करेगा और रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, पर बहुत ही स्लो मैनर में करती है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे या जिस टेम्परेचर अपन कैलकुलेशन करते हैं, वहां पर आपकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर इतनी वेरी नहीं करती, इसलिए अपन इसको कॉन्स्टेंट मान सकते हैं। तो ध्यान रखें, रेजिस्टिविटी आपकी मेटल की प्रॉपर्टी है, शेप और साइज या डायमेंशंस की बात करें उससे कोई लेना देना नहीं है, पर रेजिस्टेंस आपका मेटल की प्रॉपर्टी भी है, डायमेंशंस की प्रॉपर्टी भी है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पे भी डिपेंड करता है, वो अपन देखेंगे, है ना। तो ये चीजें आपने पढ़ी है, रेजिस्टिविटी किस फॉर्मूले से, R बराबर रो L बाई A से, ये भी आपने पढ़ा होगा। और रेजिस्टिविटी का रिवर्स क्या होता है, कंडक्टिविटी, क्या होता है, कंडक्टिविटी। जैसे कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का रिवर्स होता है, उसी तरह से रेजिस्टिविटी आपकी क्या होती है, जो रेजिस्टिविटी है आपके पास, ठीक है क्या, ये क्या होती है, वन अपॉन कंडक्टिविटी, ठीक है ना, वन अपॉन कंडक्टिविटी, ठीक है। जैसे रेजिस्टेंस आपके पास क्या है, वन अपॉन कंडक्टेंस, या कंडक्टेंस क्या, वन अपॉन रेजिस्टेंस। तो R बराबर रो L बाई A, रो को आप क्या बोलते, रेजिस्टिविटी। तो यहां से अगर मैं एक और प्रॉपर्टी डिफाइन करूं, कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी क्या होती है, वन अपॉन रेजिस्टिविटी, या रेजिस्टिविटी बराबर वन अपॉन कंडक्टिविटी। और इसकी यूनिट की बात करते, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होंगे, तो यहां से देखिए, आर तो आपके पास ओम है, सही, लेंथ होगी मीटर, और एरिया क्या होगा, मीटर स्क्वायर, तो एक मीटर से एक मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मीटर इधर मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास जो रेजिस्टिविटी है इसकी यूनिट निकल के आएगी आपके पास ओम मीटर। ध्यान रखना, यूनिट्स भी काफी इंपॉर्टेंट होती है रेजिस्टिविटी की, ओम मीटर, है ना। और कंडक्टिविटी की यूनिट की बात करें अपन, अगर मैं कंडक्टिविटी की यूनिट लिखता हूं, तो कंडक्टिविटी आपके पास क्या है, वन अपॉन रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी, तो यानी कि ओम पर ओम मीटर, या आप इसको महो पर मीटर भी लिख सकते हैं। तो इनकी यूनिट्स भी इंपॉर्टेंट है। आप तो खैर, अपन तो इस चैप्टर में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की बात करेंगे, और मेन तो रेजिस्टेंस की बात होगी, ना कंडक्टिविटी की बात होगी, ना ही रेजिस्टिविटी की बात होगी, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, जो आपका रेजिस्टेंस है वो मेटल की प्रॉपर्टी भी है, शेप और साइज यानी डायमेंशन भी चाहिए अपने को, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट भी चाहिए, पर जो रेजिस्टिविटी है ये इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होती है, शेप एंड साइज यानी डायमेंशन, ये प्योर मेटल प्रॉपर्टी होती है आपके पास, मेटल पे ही डिपेंड करती है। अगर एक ही मेटल है, चाहे अलग अलग
शेप और साइज के हो उससे आपका कोई रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, पर उस फैक्टर को अपन थोड़ा लेट पढ़ेंगे, दोनों ही डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे, है ना। अब देखें आगे थोड़ा सा रेजिस्टेंस की बात करते हैं और आगे लेके चलते हैं रेजिस्टेंस को। तो स्टूडेंट्स आर रेजिस्टेंस की बात है, आर बराबर रो एल बाई ए, ठीक है। क्या 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 कहा था, रेजिस्टेंस तीन चीजों पर डिपेंड करता है कि एक तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या बोलते सिंपल किसी के शेप और साइज यानी कि डायमेंशंस की बात करें, दूसरा बताया था आपके पास मेटल तो होता ही है, तीसरा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है। अगर मान लीजिए आपके पास इस तरह से कोई सरफेस है और यहां से कोई करंट फ्लो कर रहा है आई और इस वाले फेस से बाहर निकल रहा है, मान लीजिए साइड लेते ए बी और सी, इसको ढंग से समझे इस वाले एग्जाम्पल से। जैसे आपके पास ये बॉक्स है या कुछ भी मेटल है, तो समझे आपका करंट ऐसे आ रहा है और इस डायरेक्शन से यहां से बाहर निकल रहा है, तो उसको करंट को कितनी लेन चलनी है, ये वाली जो कितनी दे रखी है अपने को ए दे रखी है। अगर मान लीजिए मैं इस डायरेक्शन में रेजिस्टेंस निकालता हूं आर वन नाम देते हैं, तो आर क्या था रो एल, एल की जगह अपने पास क्या है यहां पर ए है क्या, ठीक है ना। अगर ऐसे करंट जा रहा है तो चलना कौन सी लेंथ है उसको, ये लेंथ चलनी है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी ए, और क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि आपका करंट यानी कि ये वाला इस तरह से जा रहा था तो क्रॉस सेक्शन एरिया ये है। आपको इसमें देखोगे ध्यान से तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसकी साइड बी और सी, यानी कि एरिया क्या हो जाएगा बी अपॉन सी, यानी कि इस फेस का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, रेक्टेंगल दिख रहा है तो बी सी। अगर मान लीजिए आपका करंट यहां से ऐसे एंटर कर रहा है आई और यहां से इस फेस से बाहर निकल रहा है, ठीक है, यानी कि इसी को देखे वापस, इस बार करंट आपका इधर एंटर कर रहा है और इधर से बाहर निकल रहा है, तो उसको ये लेंथ चलनी है कुल मिला के। और इसमें देखे तो लेंथ कितनी दिख रही है बी, तो यानी कि अगर मान लीजिए आर टू की बात करें रो लेंथ कितनी इस बार बी, और क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि जो बॉटम फेस दिख रहा है ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए सी, ये इसका रेजिस्टेंस हो गया। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो पे भी आपका क्या कर रहा है, करंट डिपेंड कर रहा है, सॉरी रेजिस्टेंस क्या हो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो करंट पे भी डिपेंड कर रही है ना। कुछ स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल से इसको भी समझे कि किस तरीके से किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास सिंपल बोले कि एक सिलेंडर है ना, मान लीजिए आपके पास एक होलो सिलेंडर है, ठीक है, इस तरीके से और यहां पर, ठीक है, ये हो गया आपके पास होलो सिलेंडर है ना, और इसमें जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो करंट है, मान लीजिए आपका करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है इस तरह से आई, ठीक है, यानी कि हर सरफेस पे जैसे सरफेस दिख रहा है आई करंट फ्लो कर रहा है, आपके पास अंदर से होलो है, तो रेजिस्टेंस होगा आर बराबर रो एल, एल मान लीजिए कंडक्टर की लेंथ एल है, ठीक है, तो आर बराबर हो गया आपके पास रो एल, लेंथ तो एल ही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना देगा पाई, मान लीजिए इनर रेडियस इसकी आर वन है और आउटर रेडियस कितनी है आर टू, तो क्रॉस सेक्शन एरिया आ जाएगा पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, ठीक है क्या, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए अपन डायरेक्शन ऑफ फ्लो करंट को थोड़ा सा चेंज करते हैं और वेरिएशन देखते हैं किस किस तरह से वेरिएशन आ सकते हैं। सपोज करिए कि जैसे यही इसी तरह से अपन एक सिलेंडर लेते हैं, कि मान लीजिए सिलेंडर लिया आपने, है ना, एक सिलेंडर लिया इस तरीके से, ठीक है, और इसकी सेंटर लाइन मान लीजिए, और आपका इस बार जो करंट है वो ऐसे फ्लो कर रहा है इस तरीके से बाहर निकल रहा है, अंदर से बाहर की ओर निकल रहा है, ठीक है ना, इसकी रेडियस बोल देते हैं आर, ठीक है क्या, इसकी रेडियस कितनी है आर। अब आप ध्यान से देखो कि जो करंट है आपका वो सेंटर लाइन से बाहर की ओर, यानी कि जैसे ये है तो करंट यहां से बाहर की ओर निकल रहा है हर डायरेक्शन में सेंटर लाइन से, यानी कि इस तरह समझो बाहर ऐसे आ रहा होगा, ठीक है क्या, ये तो सेंटर लाइन होगी, करंट इस तरीके से, यानी कि अगर मैं इसका साइड व्यू बनाता हूं इस वाले सेक्शन का आपको कैसा दिखाएगा, ध्यान से देखे कि इस तरीके से है और करंट आपका ऐसे बाहर आ रहा है हर डायरेक्शन में, है ना, करंट आपका इस तरीके से बाहर आ रहा है, ठीक है क्या, तो ये इसका साइड व्यू यानी कि ये वाला फेस, तो यानी कि करंट देखिए आप बाहर। अब आपको एक चीज दिख रही होगी, जैसे जैसे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, लेंथ तो उसको आर ही कवर करनी है अभी तक, लेकिन जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है, ठीक है, तो इसके रेजिस्टेंस आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, आपको एलिमेंट लेके करना पड़ेगा। अब एलिमेंट कैसे लेंगे देखे ध्यान से, और आपको बता भी रखा है कि एलिमेंट कैसे लिया जाता है इन वाले सरफेस पे, आर पे जाके डी आर की एक रिंग मान लो, ठीक है ना, मान लीजिए आप आर पे जाके डी आर लेते हो, यानी किसी वाले को डायग्राम को बना रहा हूं मैं दोबारा, कि जैसे मान लीजिए आपका साइड व्यू था और ये आर पे जाके, ठीक है ना, ये मान लो आर पे गए और डी आर की छोटी सी रिंग मान ली अपन, है ना, ठीक है, आर और डी आर, ठीक है, तो इस वाले के लिए कैलकुलेशन करें तो अगर इसमें जो करंट है वो इसमें से फ्लो के बाहर निकलेगा, ठीक है, तो ये डीआर बहुत छोटा होता है, आपको बता भी रखा है, जो एलिमेंट होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं, उसके लिए चेंज इन क्रॉस सेक्शन एरिया नेग्लेजिबल होगा। तो यानी कि लेंथ की बात करें, ठीक है, इसके लिए और रेजिस्टेंस की बात करें, छोटा सा रेजिस्टेंस होगा डीआर बराबर रो एल बाई ए, एल की बात करें तो एल कितना होगा इसमें डीआर,
क्योंकि करंट को कितना चलना है, इस डीआर थिकनेस को चलना है, और एरिया की बात करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो आपको ये रिंग है, ये जो मैंने कंसीडर की है, कैसे दिखाई देगी, कुछ इस तरीके से इसमें दिखाई देगी आपको। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा भाई, इसको आप पाई आर स्क्वायर, जो सिलेंडर होता है आपके पास, इस रिंग की लेंथ कितनी हो जाएगी अगर आप खोलोगे तो, लेंथ हो जाएगी टोटल 2πr। ठीक है ना, टोटल कितनी हो जाएगी 2πr, और इसकी लेंथ देखे कितनी है टोटल l, तो इसका एरिया क्या होता है, ठीक है, 2πr इंटू एल। आपने पहले भी सिखाई थी चीजें, जब भी एरिया निकालते हो आप तो इस स्ट्रिप को क्या कर लेते हैं अपन, खोलते तो टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी 2πr, और इसमें देखे सिलेंडर में तो इसकी लेंथ कितनी दिखेगी आपको l, तो एरिया हो जाएगा दिस लेंथ मल्टीप्लाइड l, तो ये आपके पास एरिया आ जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो आपका जो dr है, यानी कि नेट रेजिस्टेंस की बात करें तो इंटीग्रेशन करते dr, और वो भी क्या करा, स्मॉल r कहां से कहां थे, सेंटर से, यानी कि जीरो से कैपिटल R तक। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा रो डी आर अपॉन 2πLr इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल R, तो हो गया रो कांस्टेंट है, 2πL कांस्टेंट है, अंदर बचेगा डी आर बाई आर 0 टू R, तो ये 1 अपॉन R का होता है ln, तो 2πL ln R। ठीक है क्या, 0 टू कैपिटल R, तो वैल्यू होगी रो अपॉन 2πL एल एन आर, ये इसका रेजिस्टेंस निकल के आ गया। ठीक है ना, ध्यान रखना इस आर में कंफ्यूज ना हो, ये रेजिस्टेंस है और ये रेडियस वाला आर अंदर की ओर, तो आप चाहे तो रेडियस को आर डैश लिख ले ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना, सिलेंडर की रेडियस क्या लिख लो आर डैश। तो ये इसका रेजिस्टेंस आ गया किसका, इस कंडक्टिंग सिलेंडर का, जिसमें करंट क्या था, इस तरीके से फ्लो कर रहा है। ठीक है क्या, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना इसमें क्या वेरिएशन, किसका वेरिएशन आ रहा था, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, आप देखो खुद ही, मान लीजिए ये इतना सा एरिया, अब माना थोड़ा आगे गए तो एरिया वेरी करता जा रहा है क्या, तो आपका जो फॉर्मूला है आर बराबर रो एल बाई ए, इसमें ए वेरी कर रहा है, इसलिए अपन इसको डायरेक्ट नहीं ले सकते, आपको एलिमेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है क्या, ऐसा एक और स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है अपने पास, जैसे तो देखिए आपके पास, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपके पास एक होलोस्फीयर है। ठीक है, क्या एक होलोस्फीयर है, इसकी इनर रेडियस मान लीजिए ए है और आउटर रेडियस मान लीजिए बी है। ठीक है, और इसमें भी करंट वैसे ही फ्लो कर रहा है जिस तरीके से अपन ने उस सिलेंडर के अंदर बात की थी। ठीक है क्या, इस तरीके से, यानी कि जैसे आपका करंट है, स्फीयर है, ध्यान रखें इस बार ये स्फीयर है, ना कि आपके पास सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन है, होलोस्फीयर है। ठीक, जिसकी इनर रेडियस और आउटर रेडियस अपने को पता है ना, वो गिवन है, और आपका करंट मान लो फ्लो कर रहा है, तो इसको अगर सोल्व करें तो वही एलिमेंट लेना पड़ेगा अपने को आर पे जाके डीआर का। तो मान लीजिए मैं इसको दोबारा बनाता हूं। ठीक है, मान लीजिए आपने यहां से आर पे जाके एक डीआर का छोटा सा एलिमेंट लिया है ना, ये डीआर का एलिमेंट लोगे जब आप, ध्यान रखना इस बार ये रिंग नहीं दिखेगी क्योंकि स्फीयर है पूरा, तो आपके पास स्फीयर के अंदर जो एलिमेंट लिया है ये भी क्या दिखेगा, एक तरह से इस तरह से एक होलो स्फीयर दिखाई देगा आपको, है ना, जिसकी थिकनेस कितनी है dr, मतलब थिकनेस कितनी ले लिया अपने dr, और यहां पे r पे जाके dr का एक अपने एलिमेंट लिया जो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है क्या, अब तो इसका एलिमेंट का, छोटे से एलिमेंट का रेजिस्टेंस आएगा dr, क्या होता है रो l बाई a, तो रो तो सेम है, l लेंथ कितनी इस बार dr अपॉन ए। एरिया की बात करें तो आपका स्फीयर होता है उसका एरिया क्या होता है 4πr², तो ये हो जाएगा 4πr², तो टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो इंटीग्रेट कर दो इसको कहां से कहां तक, इनर रेडियस मान लीजिए इसकी ए है और आउटर रेडियस कितनी थी बी, तो ए से बी रो अपॉन 4πr² डी आर, तो रो कॉन्स्टेंट है 4π कॉन्स्टेंट है, अंदर आएगा आपके पास डी आर अपॉन आर स्क्वायर लिमिट ए टू बी, तो सोल्व करेंगे 1/r² डी आर का इंटीग्रेशन क्या होता है, रो तो कांस्टेंट है 4π, तो 1/r² यानी कि माइनस का 1/r लिमिट ए टू बी। ठीक है क्या, तो r बराबर हो गया आपके पास रो अपॉन 4π, लिमिट पुट करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/b और माइनस माइनस प्लस 1/a। ठीक है, तो r बराबर आ गया रो अपॉन 4π, है ना, ये हो जाएगा बी माइनस ए अपॉन ए बी, जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा बी माइनस ए अपॉन ए बी, तो इसका जो रेजिस्टेंस आ गया आपके पास रो अपॉन 4π बी माइनस ए अपॉन ए बी।
ध्यान रखने, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है आपके पास। और अगर आपको ध्यान हो तो अपने जब 11th क्लास में हीट चैप्टर पढ़ा था वहां पर भी कुछ ऐसी चीजें आई थी, वहां पर अपने रेजिस्टेंस को क्या कहा था, थर्मल रेजिस्टेंस, वहां पर भी ऐसे न्यूमेरिकल्स अपन ने सोल्व किए थे और जो थर्मल रेजिस्टेंस निकल के आ रहा था वो भी ऐसा ही था, ठीक है ना। तो ये कुछ स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स है रेजिस्टेंस के जो आपको याद होने चाहिए, अगर याद है तो बहुत बढ़िया बात है। जैसे अपने सिलेंडर का भी किया था, अभी सॉलिड का मान लीजिए आपके पास होलो सिलेंडर होता इस तरीके से, मान लीजिए आपके पास क्या होता, एक होलो सिलेंडर होता ऐसे, जिसकी इनर रेडियस मान लीजिए R1 और आउटर रेडियस क्या है R2। तो अभी जस्ट अपन ने सिलेंडर के केस में, और आपका करंट मान लीजिए उसी तरीके से फ्लो कर रहा है ना, तो ये आपके लिए काम है, आपको इसको सोल्व करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। हालांकि सब कुछ रिजल्ट सेम होंगे, जो आपकी इंटीग्रेशन लिमिट आएगी, जस्ट अभी अपन ने क्या था रो अपॉन 2πL, ये तो क्या आएगा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में क्या था dr/r था, अब इस बार लिमिट क्या हो जाएगी आपके r1 r2 हो जाएगी। तो 1/r dr का इंटीग्रेशन सभी जानते हैं lnr होता है, तो क्या हो जाएगा रो अपॉन 2πL lnr लिमिट r1 से r2। तो आपके पास जो रिजल्ट आ गया रेजिस्टेंस का वो कितना आ जाएगा, r/ρ/2πL, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, या आपका लिख सकते एल एन r2/r1 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है क्या, क्योंकि log m माइनस log n होता है log m अपॉन n। तो ये इस तरह से होलो सिलेंडर है, उसका भी आपके पास रेजिस्टेंस आता है इस तरीके से। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट से थोड़े आपको ध्यान रखने की अपने को किस तरीके से इनको सोल्व करना है, ठीक है क्या। और रेजिस्टेंस है खैर इसकी चर्चा अपन करते रहेंगे, आगे भी आते रहेंगे न्यूमेरिकल्स, ऐसा नहीं कि ये खत्म हो गया, ये तो कुछ स्टैंडर्ड डायग्राम्स थे आपके लिए ताकि आपको समझ आए कि रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है ना। अब वापिस चलते थोड़ा सा उसी कंसेप्ट पे, तो रेजिस्टेंस का मेन फॉर्मूला था R/2mL/NE²A×T। टी क्या था आपके पास रिलैक्सेशन टाइम है ना, अब देखें यहां से, और रो की वैल्यू क्या थी आपके पास 2m/NE²T, ये रेजिस्टिविटी थी आपके पास और ये रेजिस्टेंस था है ना। और आपके पास एक फॉर्मूला था I/NEAVD, ठीक है क्या, ये ध्यान रखें, छोटे छोटे रिलेशन है पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं है ना। अब एक और चीज कि कई बार जैसे मान लीजिए आपके पास एक और फैक्टर डिफाइन करते हैं करंट डेंसिटी, कुछ रिलेशन निकालेंगे जो पूछे जाते हैं करंट डेंसिटी ये क्या होती है ना, जैसे डिनोट किया जाता है इसको, और वेक्टर क्वांटिटी होती है, ध्यान रखना इसकी डेफिनेशन क्या है अभी देखते हैं है ना, वेक्टर क्वांटिटी, ये डिफाइंड तो वेक्टर करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर में, पर इसका यहां पर बहुत ही कम यूज होगा, अपन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जो करंट डेंसिटी होती है ये होती है I/A, यानी कि करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है, करंट डेंसिटी क्या आपके पास करंट पर यूनिट एरिया, जैसे मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर लेते हैं है ना, इस तरीके से कंडक्टर लिया, और आपके पास मान लीजिए करंट की डायरेक्शन ऑफ फ्लो यही है, मैंने एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया कंसीडर किया ए, तो करंट डेंसिटी होगी J=I/A, ठीक है क्या। अब मान लीजिए अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज कर दूं थोड़ा सा, कि मान जैसे ये दिख रहा डायग्राम आपको, मैं इस तरह से एक डायग्राम और बनाता हूं क्रॉस सेक्शन एरिया का, कि आपको इस तरह से गिवन है ऑलरेडी है ना, आपको मान लीजिए जो क्रॉस सेक्शन एरिया इस तरीके से गिवन है ना, और जो आपकी करंट की डायरेक्शन ऑफ फ्लो अभी तो वो वही है जो गिवन है, ठीक, और इसका मान लीजिए क्रॉस सेक्शन एरिया है आपके पास जो ए दे रखा है ना, अब यहां पर मान लीजिए ए डैश, ठीक, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया इसकी बात कर इसकी बात थोड़ा चेंज होगा। अब आपके पास क्या है कि जैसे आपके पास करंट तो फ्लो कर रहा है, ठीक है, अब इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इधर होगा है ना, तो एरिया वेक्टर आएगा वो इधर होगा कुछ, मान लीजिए सपोज करिए थीटा एंगल पे, ठीक, अब इस एरिया वेक्टर का मान लो मैं इधर कंपोनेंट लू तो आएगा a cos थीटा। ध्यान रखना दोनों क्रॉस सेक्शन अलग तरीके से ले रखे, पहला तो आपके पास स्ट्रेट है, इसका एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं क्रॉस सेक्शन को चेंज कर दूं तो आप जानते हैं एरिया क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और एरिया वेक्टर किधर होगा इसका, इस डायरेक्शन में, मान लीजिए जो करंट की डायरेक्शन थी उससे थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा a cos थीटा। तो करंट डेंसिटी जो लिखी जाएगी यहां पर J=I/A cos थीटा, क्या लिखोगे J=I/A cos थीटा। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो करंट की डायरेक्शन है और जो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन है दोनों सेम ही डायरेक्शन में होते हैं, और आपको जो करंट एरिया वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में लेना, जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज का भी ध्यान रखें आपके पास कि जो करंट है
और जो करंट डेंसिटी है दोनों की डायरेक्शन क्या रहती है, सेम रहती है। हालांकि जो आपका करंट है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है ना, पर जो आपका जो करंट डेंसिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो वही होगी जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो करेगा और आपको एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। अगर मैं यहां से भी लिखना चाहता हूं तो आई बराबर क्या हो जाएगा, जे डॉट ए, जे क्या आपके पास करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी और ए एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता ही है। तो आप जानते हो जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, यानी कि यहां पे भी देखिए आपके पास जो करंट है वो क्या आ गया, स्केलर आ गया। तो यहां से भी अपन इसकी डेफिनेशन को वेरीफाई कर सकते हैं कि करंट डेंसिटी करंट पर यूनिट एरिया पर डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी क्या होगी, जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो करा उसी डायरेक्शन में आपको करंट डेंसिटी लेनी पड़ेगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में आपका जिस एक्सिस के अलोंग करंट है उसी एक्सिस के अलोंग लेना पड़ेगा। तो अगर इस वाले की बात करें तो करंट डेंसिटी ये, इस वाले की बात करें तो करंट डेंसिटी ये आएगी, है ना। और करंट डेंसिटी की यूनिट की बात करें तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ध्यान रखिए छोटी छोटी चीजें हैं पर काम की आपके पास एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस चैप्टर में कमी काम आएगी पर डेफिनेशन है अपने पास तो इसका थोड़ा ध्यान रखें, है ना, क्योंकि कई बार रिलेशन पूछ लेता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी में, है ना। तो अपन तो खैर इसी चीज को फोकस करेंगे, आपके लिए बेसिक डेफिनेशन है करंट डेंसिटी के, इसका ध्यान रखें थोड़ा सा, है ना। और अपन देखते हैं अभी कि अगर मान लीजिए आपको रिलेशन बताना है करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है क्या। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हैं तो आई बाई ए, एक उठा के यहां रख दो तो आपके पास एन ई वी डी आ जाएगा, तो ये होता है जे एन ई वी डी, एक छोटा। तो स्टूडेंट्स क्या आ गया अपने पास, जे बराबर एन ई वी डी, तो ये आ गया आपके पास रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, उठा के एक उधर लेके आ गया अपन, है ना। एक छोटी सी टर्म और लेते हैं जिसको कहा जाता है मोबिलिटी, ठीक है, क्या कहते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी एक तरह से प्रॉपर्टी है आपके पास, ये बताती है किसी भी कंडक्टर के लिए हाउ इजिली द इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो इनसाइड द कंडक्टर, कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने इजी तरीके से फ्लो कर सकते हैं जब उस पर कोई एक्सटर्नल फील्ड लगाई जाती है। दोबारा सुन लीजिए डेफिनेशन कि मोबिलिटी क्या है, हाउ इजिली द चार्जेस, ठीक है, अपन तो चार्ज की बात करें पर रियलिटी में इलेक्ट्रॉन से, हाउ इजिली द चार्जेस कैन फ्लो इनसाइड अ कंडक्टर व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, ठीक है क्या। तो ये जो आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो अब अपन प्रोपोर्शनलिटी के निशान को हटाएं तो यहां पर म्यू आता है और इसी म्यू को कहा जाता है मोबिलिटी, ठीक है ना, इसी म्यू को क्या कहते हैं अपन मोबिलिटी। तो कई बार क्या होता है जे और यहां पर मान लीजिए म्यू के अंदर रिलेशन पूछ ले मोबिलिटी, तो बीडी की वैल्यू उठा के आप किस में रख दीजिए, इस वाले इक्वेशन में रख दीजिए, है ना। तो जे की वैल्यू, जे इज इक्वल टू यानी कि करंट डेंसिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास एन ई, बीडी की जगह क्या लिख दोगे म्यू ई, ठीक है क्या, यानी कि जे, और आप देखिए ये भी मेटल की प्रॉपर्टी है ना, इल चार्ज है से म्यू भी अपने पास क्या प्रॉपर्टी कांस्टेंट है, यानी कि आप कह सकते हो करंट डेंसिटी इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, पर हर एक के लिए नहीं, क्योंकि अपने पास जो मोबिलिटी है ये हर मेटल के अलग अलग हो गए, है ना। तो ध्यान रखिए म्यू ई या फिर आपका जो मेन रिलेशन वो यही है, ठीक है, इसको एग्जैक्ट सही तरह माने क्योंकि अपने पास म्यू है, ये मेटल डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना, हर मेटल के लिए मोबिलिटी अलग आती है, जब चाहे आप इसके अक्रॉस क्या लगा दो सेम फील्ड लगा दो, जैसे मैं कॉपर ले लेता हूं और एक मान लीजिए एल्यूमिनियम का वायर ले लेता हूं, ठीक है ना, दोनों के अक्रॉस अगर मैं सेम फील्ड लगाता हूं तो फिक्स है इसमें जो मोबिलिटी आएगी मान लीजिए म्यू वन और इसमें मोबिलिटी आएगी म्यू टू, तो दोनों के लिए मोबिलिटी अलग अलग रहेगी ना कि सेम रहेगी, ठीक है ना। तो आपको तो खैर वो रिलेशन ध्यान रखें, तो तीन चार चीजें हैं ये रिलेशन छोटे छोटे आपसे से क्वेश्चंस आते हैं और पूछे जाते हैं या एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या डिफरेंस है, करंट डेंसिटी और जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है उसमें क्या रिलेशन है, सारी चीजें, है ना, ठीक। तो ये छोटे छोटे रिलेशन है और छोटे छोटे कंसेप्ट है जो आपको ध्यान रखने, ठीक। अब मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल करते हैं, बहुत ही लाइट, मान लीजिए आपके पास एक कॉपर वायर है जिसकी लेंथ मान लीजिए आपके पास एक किलोमीटर दे रखी है, ठीक है क्या, एक कॉपर वायर है जिसकी लेंथ एक किलोमीटर दे रखी है और एक इलेक्ट्रॉन है आपके पास, क्या एक इलेक्ट्रॉन है ना, और आपके पास मान लीजिए इस कॉपर वायर में जो एन है वो मान लीजिए आपको देगा 10 into 28 10 to power, यानी कि नंबर ऑफ फ्री चार्ज करें कितने देखे 10 into 10 to power 28। आपसे पूछा गया है कि जब आप इस पर फील्ड लगाते हो तो इस इलेक्ट्रॉन को, इस कॉपर वायर को जिसकी लेंथ कितनी है 1 किलोमीटर, क्रॉस करने में कितना
टाइम लगेगा, है ना। और मान लीजिए इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको दे रखी है 1.6 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड, या 1 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। तो आप जानते हो टाइम क्या होता है, सिंपल सॉरी टाइम इसकी जगह डिफ्लो आपको मान लीजिए करंट दे रखा है, सपोज करिए 4.5 या 4 एम्पीयर कुछ भी ले लो, मान लीजिए 4.5 एम्पीयर ले लिया, है ना। आपसे पूछा गया है कि इस इलेक्ट्रॉन को इस कॉपर वायर के इस एंड से इस एंड में पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो आप सभी जानते हो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस अपने को पता ही एल है, और वेलोसिटी क्या होती है वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी नहीं है, गिवन है। तो आप जानते आई बराबर क्या होता है एन ई ए वी डी, तो यहां से वी डी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास आई अपॉन एन ई ए, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लीजिए आप इसका 1 mm square, कितना मान लीजिए 1 mm square, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करते हैं यहां पर, तो देखिए आपके पास टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल अपॉन वी डी, वी डी की वैल्यू क्या आई, और ये रिलेशन किधर चल देंगे ऊपर चल देंगे सारे एन ई ए, तो एल की वैल्यू है 1 किलोमीटर यानी कि 1 × 10⁻³ मीटर एसआई यूनिट में लेके आएंगे, और एन कितना दे रखा है आपको 10⁸, और चार्ज होता है अपन जानते हैं 1.6 × 10⁻¹⁹, एरिया है 1 mm square यानी कि 1 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय करंट 4.5। आप इसको सोल्व करिए, जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा सेकंड में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो 3-4 रिलेशन अपन ने पढ़े, करंट डेंसिटी के, नंबर ऑफ फ्री चार्ज करे थे, इनमें रिलेशन थे, इनकी रिलेशन के डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, हालांकि नीट लेवल पे पूछे जाते हैं जो छोटे छोटे टॉपिक्स है, और रेजिस्टेंस पढ़े थे अपने, है ना। और इस चैप्टर को अपन कंटिन्यू करेंगे आगे, बैटरी से स्टार्ट करेंगे, बैटरी कैसे काम करती है, पूरे कंडक्टर के अंदर है पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें करंट कैसे फ्लो करता है, कैसे अपन फाइंड आउट करेंगे, ठीक स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।